Hello, good morning my dear students. Welcome you all to my channel Physics in Motion. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू स्कोर 160 प्लस इन नीट फिजिक्स. आपको पता है वो आपका 180 मार्क्स का फिजिक्स का एग्जाम होता है, तो नीट के 180 में से 160 प्लस आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप स्ट्रेटेजिकली प्लान करें, आपकी स्ट्रेटेजी सही हो, आपकी प्लानिंग सही हो, और प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है उसका एग्जीक्यूशन सही हो. इफ ऑल दीज थिंग्स आर परफेक्ट इट्स वेरी इजी टू स्कोर 160 प्लस. हम एक बार ये डिस्कस करना चाहते हैं यहां पर कि भाई कौन कौन से नोट्स हम क्या स्टडी मटेरियल, कौन सी बुक्स फॉलो करें, कितना टाइम इन्वेस्ट करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टू स्कोर दिस टारगेट. क्योंकि आपको पता है आजकल जिस हिसाब से नीट का कट ऑफ जाता है, आपका फिजिक्स में अगर 140 से नीचे स्कोर है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए गवर्नमेंट कॉलेज. तो अगर हम 160 स्कोर कर ले जाते हैं फिजिक्स में, तो फिर आपका केमिस्ट्री और बायो का स्कोर मिल करके यू कैन इजिली गेट ए गुड गवर्नमेंट कॉलेज. तो लेट अस डिस्कस ऑन द स्ट्रेटेजीज. तो द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल इज मास्टर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार होनी चाहिए कि आपको वहां पर एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि ना आता हो, चाहे वो इन टेक्स्ट हो और चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो और चाहे वो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हो. तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताना चाहता हूं. आपके क्लास नोट्स बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, आपके जो क्लास नोट्स है वो इस हिसाब से होने चाहिए कि उसके अंदर एनसीईआरटी का हर पॉइंट, एनसीईआरटी पॉइंट बाई पॉइंट कवर्ड हो. मतलब आपको कोई भी पॉइंट छूटा ना हो. और मोर ओवर एनसीईआरटी के पॉइंट्स कैसे कवर्ड हो, जब आपने टॉपिक्स पढ़े उसके बाद आपने उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन किए. हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक चैप्टर की मैं पहले बात करता हूं, बाद में टोटल ओवरव्यू की बात करूंगा. हम कोई भी एक चैप्टर लेते हैं, उसमें हमने एक टॉपिक पिकअप किया, उस टॉपिक के हमने सारे पॉइंट समराइज किए, जितने फॉर्मूले हमें मालूम है. मान लीजिए इसमें एनसीईआरटी में दो क्वेश्चन इनटेक्स्ट है और चार क्वेश्चन एक्सरसाइज में प्लस में एग्जाम्पलर में. अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, इसके बाद और क्या चाहिए वो भी मैं बात करूंगा. तो दो इनटेक्स्ट है, चार एक्सरसाइज में है, कुछ एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, तीन चार किसी पर्टिकुलर टॉपिक में हॉट्स के क्वेश्चन है. तो जो क्वेश्चन होते हैं आपके पास ये तो आपके प्रिपेयर होने ही चाहिए. प्लस में आप देखेंगे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं उनके सोल्यूशन के अलावा क्वेश्चंस की लाइन में इंफॉर्मेशन होती है, जो क्वेश्चन लिखा होता है उसकी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के एग्जाम्स में आती है. तो ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चंस के अंदर इंफॉर्मेशन है और जो सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो इंफॉर्मेशन भी आपके नोट्स में जानी चाहिए, चाहे वो इंडेक्स क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, चाहे वो एग्जाम्पलर हो. तो एनसीईआरटी should be completely covered with all the questions in text, exercise questions, हाँ additional exercise भी obviously NEET के लिए prepare कर रहे हैं, additional exercise questions और आपके exemplar और hots, ये सारे questions आपके complete होने चाहिए. इसके बाद अब हम क्या करें, कम से कम 200 से 300 question आपको objective level पे practice करने हैं हर chapter पे. जैसे मैंने कहा एक टॉपिक में आप ये करें, तो ऐसे ही सारे टॉपिक्स एक चैप्टर की प्रिपेयर होनी चाहिए. इन टोटल आपके पास 30 चैप्टर्स हैं 11th क्लास और 12th क्लास की फिजिक्स को मिला करके, और हर 30 चैप्टर में हमें ये पैटर्न फॉलो करना है. एनसीईआरटी कई जगह फुल्ली सफिशियंट है, कई जगह थोड़ी कम है, कुछ चैप्टर्स में हमें एनसीईआरटी फुलफिल नहीं कर पाती, सफाइज नहीं कर पाती, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें एनसीईआरटी 100% आपका काम कर जाती है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स. क्लियर? तो इन पर्टिकुलर हमें हर चैप्टर के अंदर 200 से 300 क्वेश्चन, हर चैप्टर की साइज अलग अलग होती है, तो ये 200 से 300 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने. अब ये 200 से 300 क्वेश्चन कौन से होने चाहिए, एक एवरेज बताता हूं. 50 हमारे हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट की, नीट की प्रिपरेशन के लिए नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर में से 50, प्लस में जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50. हां जी, जेई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका बहुत अच्छा रोल, उनका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं हम नीट के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, बड़े बढ़िया क्वेश्चन होते हैं. तो जेई के प्रीवियस ईयर्स के उस टॉपिक में से 50 क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अलावा ये 50 क्वेश्चंस, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
जे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस में आपकी एचसी वर्मा, ध्यान रखिएगा एचसी वर्मा, एचसी वर्मा की ऑब्जेक्टिव वन और ऑब्जेक्टिव टू दोनों लेवल के ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करने, ऑब्जेक्टिव वन भी ऑब्जेक्टिव टू भी। आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव टू में मोर देन वन करेक्ट आंसर भी आते हैं, लेकिन वो आपका कॉन्सेप्ट ही खोलेंगे, दे विल बी वेरी हेल्पफुल इवन इन एसर्शन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव वन और ऑब्जेक्टिव टू ऑफ एचसी वर्मा, आई मस्ट वंस अगेन टेल, ऑब्जेक्टिव वन और ऑब्जेक्टिव टू ऑफ एचसी वर्मा प्लस में सम पर्टिकुलर क्वेश्चंस, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी जो चैप्टर्स 12th क्लास के मैकेनिक्स हो गई, ये इसके लिए एचसी वर्मा बहुत बढ़िया है। मॉडर्न फिजिक्स के लिए आपकी एनसीईआरटी सफिशिएंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाइए। तो टॉपिक बाय टॉपिक डिपेंड करता है, जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, एचसी वर्मा बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि इनके अंदर एनसीईआरटी में उतना डाटा नहीं है, एनसीईआरटी में वेव ऑप्टिक्स क्वेश्चंस बहुत कम है आप ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन आप एचसी वर्मा सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, वहां से डाटा उठाइए, और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अगर आपको कोई भी नई इंफॉर्मेशन मालूम चलती है तो उसको अपने नोट्स में एड ऑन कर लीजिए, आपके क्लास नोट्स ही लास्ट मोमेंट में आपके रिवीजन में काम आने वाले हैं। क्लियर है? तो आपका क्लास नोट्स जो एकदम परफेक्ट होने चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस में एचसी वर्मा प्लस में कोई भी दूसरा सोर्स, चाहे वो आपका स्टडी मटेरियल हो, कोई भी स्टैंडर्ड, क्लियर, कोई भी दूसरा सोर्स आपका स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल हो या स्टैंडर्ड बुक्स हो, जिससे आप करीबन 200 से 300 क्वेश्चन पर चैप्टर प्रैक्टिस कर पाए, वो चीज आपके पास होनी चाहिए। और जब आपके चैप्टर्स तैयार हो जाते हैं, जैसे 30 के 30 चैप्टर आपने तैयार कर लिए, इसके लिए टाइम कितना चाहिए हमें और इसके बाद क्या करना चाहिए? आपकी अभ्यास सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज, आपको पता होगा, इस अभ्यास टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज है, इट विल हेल्प यू प्रिपेयर ए लॉट, आपका लेवल बहुत ही अच्छा कर देगी ये अभ्यास टेस्ट सीरीज। अभ्यास टेस्ट सीरीज प्लस में अपने इंस्टीट्यूट के, जैसे हम लोग जो भी पेपर्स बनाते हैं उन पेपर्स को, उनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। जब क्वेश्चंस आप करते हैं, आपका रिजल्ट आता है, आप देखते हैं आपने इतने क्वेश्चंस किए, कुछ गलत हो गए, तो जो क्वेश्चन गलत हुए वो क्यों गलत हुए उसका री एनालिसिस बहुत जरूरी है, उसको वापस एनालाइज करिए, और जिस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे बार बार गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को शुरू से, ए बी इनिशियो स्टार्टिंग ए से लेकर के जेड तक वापस से कंप्लीट करिए, ताकि आप अपने जो डिफॉल्ट हैं, जो कमियां हैं, उनको मेकअप कर पाए। तो क्लास नोट्स, अभ्यास टेस्ट सीरीज, इन सब को यूज करके अगर आप कोई किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका स्टडी मटेरियल, उसके क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपके प्रॉपर होनी चाहिए। अब अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 30 चैप्टर्स है, मैं इसका स्टडी प्लान और टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है, 30 चैप्टर्स, 30 चैप्टर्स हैं आपके पास, अराउंड 5 मंथ्स प्लस 1 मंथ में और कहूंगा, अराउंड 6 मंथ का टाइम है, ये प्लस 1 मंथ को हम साइड रखते हैं अभी रिवीजन के लिए, क्योंकि हमें रिवीजन भी करना होगा, सारी चीजों को कंपाइल करना होगा। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग चैप्टर अच्छे से समझ लेते हैं, क्वेश्चन हमसे होते हैं, बहुत बढ़िया से हम क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो हम गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये गड़बड़ क्यों कर जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमने सारे के सारे चैप्टर को कंपाइल नहीं किया होता, हमने इंडिविजुअल चैप्टर बहुत तमीज से पढ़े होते हैं, उनका कंपाइलेशन बहुत अच्छे से नहीं किया होता। अगर आप चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कंपाइल करके फुल सिलेबस, FLT, फुल सिलेबस का टेस्ट दें, तो ऐसी कंडीशन में 10 से 12 बार अगर आपने फुल लेंथ टेस्ट दिया हुआ है तो आपको कभी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत बढ़िया स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो 30 चैप्टर्स 5 महीने, 5 महीने यानी आपके पास लगभग 150 दिन, और इनमें अगर आपने 2-2 घंटे डेली सेल्फ स्टडी का दिया, ध्यान से देखिएगा, ये कोचिंग वाला टाइम नहीं बता रहा मैं आपसे कि आपने कोचिंग करा 2 घंटे वो आपका टाइम पूरा हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी एंड दैट टू ऑफ फिजिक्स ओनली, सेल्फ स्टडी ऑफ फिजिक्स ओनली, बाकी सब्जेक्ट का क्या, बाकी का अलग टाइम है, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री सेल्फ स्टडी, प्लस में आपको बायो के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उस तरह आपने प्लान करना है, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। तो 2 आवर्स इन 150 डेज मेक्स 300 आवर्स, 300 आवर्स, 300 घंटे आपको मिल गए, 2 आवर्स इन 150 डेज दैट विल गिव यू 300 आवर्स, और 300 घंटे
सेल्फ स्टडी के इन एडिशन टू कोचिंग दैट विल हेल्प यू प्रिपेयर दीज 30 क्वेश्चंस, जिससे हमें पता चलता है अगर हम 300 को 30 से डिवाइड कर दें तो एक चैप्टर को हमें अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे मिल रहे हैं, और इस 10 घंटे में हम बहुत इफेक्टिवली इसको कंप्लीट कर सकते हैं अगर हम सेफ हैंड्स में हैं, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर? तो एनसीईआरटी को इंक्लूड करते हुए एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस इन टेक्स्ट हो, एक्सरसाइज के हो, एग्जाम्पलर हो, और प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनको इंक्लूड करते हुए आपके प्रॉपर क्लास नोट्स, फॉर्मूला शीट्स आपके पास होनी चाहिए। प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए, और प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने से ज्यादा जरूरी है उसको एग्जीक्यूट करना। मेक ए प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्लानिंग इज मच मोर एसेंशियल देन मेकिंग अ स्ट्रेटेजी। तो आपको हमेशा फोकस्ड रहना है एंड नेवर गिव अप, यू विल डेफिनेटली सक्सीड। बेस्ट विशेस फ्रॉम फिजिक्स इन मोशन। See you all soon in the next video. Goodbye.